उसका किस्सा नेशंस ऑफ यूरोप पे इसलिए नहीं लिखा गया है बिकॉज फ्रांस एक अलग कंट्री पहले से था, उस पर कब्जा किया गया था। यहाँ पर किस्सा सिर्फ उन कंट्रीज का लिखा गया है जिन कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन ने फ्रांस से पहले कंट्रोल कर रखा था, जर्मनी और इटली, और ये पहले से यूरोपियन कंट्रोल में था। कौन से यूरोपियन? यूरोपियन कंट्रोल के अंदर में, देश अलग नहीं थे। देश तो ये बना अलग कंट्री 1871 में। 1871 में इसको कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का अपना पावर एज ए आइडेंटिफिकेशन, सिंगल जर्मनी जब बनाए, ये बना 1871 में। और वो कब बना? 1861 में। कौन? इटली। ये दो थे। समझ आई? क्लियर हो गया? मैं पूछूं कुछ? हाँ, इटली जो था यूनिफिकेशन वक्त कितने, एक कोई नहीं बताया, मैं एक एक से पूछूंगा, ठीक है ना? आप बता दो, ठीक है ना? इटली में कितनी स्टेट थी उस वक्त जब वो यूनिफाई, मतलब यूनिफाई के लिए यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो इटली उस वक्त कितनी कितनी स्टेट्स में था? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कितनी स्टेट्स में था? ये किसने बोला? सेवन? सात मुक्के मारूंगा। और उस स्टेट का नाम था जिस पे वहां पर हुकूमत चल रही थी, क्या नाम था? क्या नाम था? सर्देनिया, पैडमोर। सर्देनिया, सर्देनिया पैडमोर का जो किंग था वो कौन था? कौन था? और वहां का चीफ मिनिस्टर कौन था? काउंट कैवोर। कंप्लीटली। और उसके बाद जो है नॉर्दर्न इटली को हासिल करने के लिए उन्होंने किसकी मदद ली? फ्रांस के। और साउदर्न इटली को हासिल करने किसकी मदद ली? यूसुफ गैरबाल्डी, गैरवाल्डी। यूसुफ गैरबाल्डी, ठीक है ना? और उसके बाद कंप्लीट यूनिफिकेशन के बाद इटली सात स्टेट्स का अपना कंप्लीट मुल्क बनता है, और किसको बनाया जाता है किंग? विक्टर इमैनुअल सेकंड। लिख पाओगे ना? यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये है। उसके बाद, और ये कब कंप्लीट हुआ? 1861। उसी के साथ इधर 1848 में जर्मनी स्टार्ट होता है। तो जर्मनी जो होता है वो जब यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले वहां पर किन की हुकूमत चल रही होती है? जर्मन नेशनल। लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया किया जर्मन नेशनल असेंबली का, तो जर्मन नेशनल असेंबली को हटाने के बाद अब लीड कौन करता है? ओटोन बिस्मार्क। ओटोन बिस्मार्क कितने साल तक लड़ाई लड़ता है, कितने कंट्रीज के साथ, किस किस के साथ? ठीक है, उसके बाद जो है कंप्लीटली यूनिफाई करता है पूरे जर्मनी को, और किंग किसको बनाता है? ठीक है ना? अब बात करते हैं, ठीक है ना? नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसको इसको मैं एकदम बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों लिखा है यहां पर? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन क्यों नहीं लिखा है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसलिए लिखा गया है बिकॉज ब्रिटेन के साथ एक अजीबो गरीब किस्सा था। ब्रिटेन के साथ एक अजीबो गरीब किस्सा था। टाइम हो गया, मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत, इसको समझाता हूँ, ठीक है ना? अजीबो गरीब किस्सा क्यों था ब्रिटेन के साथ? वो इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एक यूनिफाइड कंट्री थी पहले 1707 में। कब थी? एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। किस किस के बीच में? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट मतलब होता है कानून, एक मशवरा हुआ था किसके बीच में? एक्ट मतलब है ना, देयर वाज एन एक्टिविटी, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर एक मुहादा किया था कि एक काम करते हैं यार, एक कंट्री अलग है इसको अलग रखते हैं पहले से। तो वो कंट्री ब्रिटेन था। ब्रिटेन को इन्होंने 1707 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हो गया था, और ब्रिटेन उसी वक्त अलग था। लेकिन मसला था, ब्रिटेन को इन्होंने अलग नहीं छोड़ा था, अलग बना के अपने साथ रखा था, और वो था हिस्सा किसका? प्राग का। यूरोपियन यूनियन ने अपने साथ रखा था, याद है? प्राग, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रियन, ब्रिटेन, ब्रिटेन इन्होंने अपने साथ रखा था। हालांकि इसको इन्होंने अलग पहले से रखा था, मतलब अलग मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन इन्होंने पहले से कंट्री के बेस पे बनाई थी, लेकिन ये अलग ना जाए, अपना कंट्रोल और अपना रूल अलग ना करे ब्रिटेन, इसीलिए प्राग ने इसको अपने हाथ रखा था, चला के चल रखना था। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटेन को पता चलता है भाई यूरोपियन यूनियन के अंडर में इटली तो अलग कर दिया अपने आप को, फ्रांस भी अलग हो गया, जर्मनी भी अलग हो गया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनके साथ रहकर? हम भी अपना मुल्क बना के अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे ना भाई, हम इनके साथ मिलकर क्यों यहाँ पर खामखा अपना वक्त जाया करें? हम भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। यूरोपियन यूनियन कब तक अपना सप्रेशन, कब तक अपना डोमिनेंस हम पे करके हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे? क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ताकतवर मुल्क था 1707 से। अगर प्राप ने नेपोलियन को हराया तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ब्रिटेन की वजह से। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जीतते हैं, अलाइज जीतते हैं, तो किसकी वजह से? ब्रिटेन की वजह से। और अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर
ये यूरोपियन यूनियन जीतता है, यूरोपियन कंट्री जीते किसकी वजह से? ब्रिटेन की वजह से। ब्रिटेन ऑलरेडी एक सुपर पावर कंट्री पहले से था, तो प्राप्त उसको अलग नहीं करना चाहता था। लेकिन ब्रिटेन के साथ स्ट्रेंज केस तब हुआ जब इन्होंने क्या किया 1881 में, याद रखिए 1881 में, 1861 में बनता है क्या इटली, 1871 में बनता है क्या जर्मनी, और 1881 में कंप्लीटली ब्रिटेन अपने आप को अलग करता है। किसे अलग करता है? किसे अलग करता है? प्राप्त से। किसकी वजह से? इनको किस चीज का एग्जाम्पल मिलता है? जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो होता है, उनकी बेसिस पे इनके दिमाग में आइडिया आता है कि भाई हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी कंट्री को अलग करेंगे। जैसे होता है ना वो दो 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 तीन हमसाए जब होते हैं आपस में घर के, एक हमसाए जो होता है वो घर को व्हाइट वॉश करके चमका देता है, दूसरा भी अपने घर में रंग वंग करके बहुत चमका। अब जो बीच में घर होता है बेचारा, वो कहता है यार हमारे घर को तो कोई देख ही नहीं रहा। आप उनको कर्जे में डूबना पड़े या कुछ भी करना पड़े, घर वाले उस घर घर के बेचारे में मतलब जो लीडर होता है, हमें तो घर चमकाना है इनकी जैसा, तो मजबूरी होती है। फिर होता है ना ये होता है। तो ब्रिटेन ने कहा भाई इधर से जर्मनी अलग हो रहा है, उधर से इटली अलग हो रहा है, फ्रांस अपने आप को अलग कर ही लिया, हम इनके साथ क्या कर रहे हैं भाई, हो जा वाला, तो अपने आप को इन्होंने अलग कर दिया। वही चीज था कि यो नो ब्रिटिश एक्सटेंशन टिल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ब्रिटेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इतनी ग्रुप्स लाइक इंग्लिश वेल्श एंड वेल्श मतलब वेल्स, वेल्स एक जगह है ब्रिटेन में, वेल्स एक जगह है याद रखिए, और स्कॉट्स, स्कॉट्स मतलब स्कॉटलैंड है ना, इनहेबिटेड ब्रिटिश आइजल, आइजल मतलब नेशन, आइजल मतलब नेशन, हैविंग देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल बेस। इन सब लोगों को ब्रिटेन में अपनी अपनी आइडेंटिटी थी पहले से, ये लोग पहले से स्ट्रॉन्ग थे, इनके व्यूज स्ट्रॉन्ग थे। तो फाइनली क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन वेल्थ एंड पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट सीजर्ड मोनार्की 1688। ये पहले से किस्सा था, इन्होंने इनका पावर और इनका जज्बा पहले से स्ट्रॉन्ग था ब्रिटेन के लोगों का, और हमेशा से ये लोग स्ट्रांग बने रहते थे। 1688 में इन्होंने अपना सब कुछ दबदबा जो होता है ना, एक ताकत इन्होंने बना के रखी थी पहले ही। ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन ने अपने साथ रखने का मकसद सिर्फ इतना किया था क्योंकि आगे जाकर यूरोप को पता था कि हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज को कंट्रोल करना है, जर्मनी जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री, इवन दो आगे जाकर ओटोमन एम्पायर को भी हराना, उस्मानिया खिलाफत को हराना, वो भी बहुत बड़ा रीजन था ब्रिटेन को अपने साथ रखने का, है ना। वो इसी में आएगा एंड में। एंड देखिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन किसके बीच में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का आपस में एक मशवरा होता है 1707 में, जिसमें वो एक नई कंट्री बनाते हैं, उस नई कंट्री का नाम क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो सिस्टमेटिक सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर लैंग्वेज बाई इंग्लिश बिगिन मेनी वाइड ड्राइवन आउट ऑफ दियर होमलैंड। ये जो स्कॉटलैंड का वहां पर डोमिनेंस चल रहा था ब्रिटेन में, तो तब तक जब तक ब्रिटेन अपने आप को अलग नहीं कर रहा था, तब तक उन्होंने स्कॉटलैंड ने वहां पर बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों को बाहर निकाला था। स्कॉटिश कल्चर ने ब्रिटेन में अपना अपना होता है ना डोमिनेंस करके वहां की बहुत सारी आइडेंटिटी उस कल्चर को चेंज किया था अपने बेसिस पे वहां पर स्कॉटलैंड ने। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश हेल्पड प्रोटेस्टेंट्स अगेंस्ट कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड। ब्रिटिश को अपने आप को पावरफुल बनाना था, तो ब्रिटेन को अपने आप को अलग करना था, तो ब्रिटेन ने क्या क्या किया जाए? उस वक्त आयरलैंड में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था, ब्रिटेन के जस्ट पास में आयरलैंड है, आयरलैंड में वहां पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला हो रहा था। कैथोलिक्स कहते हैं जो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका टॉप मोस्ट क्लास, और उनके जो नीचे वाला जो तबका होता है उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की आपस में लड़ाई चल रही थी। ब्रिटिश ने यह भी कहा कि भाई इस वक्त बहुत बड़ा रीजन है अगर हम सपोर्ट करेंगे किसको? प्रोटेस्टेंट्स को, गरीब लोगों को, वर्कर्स को, एयरलैंड के वर्कर्स को सपोर्ट करके उन्होंने हरा दिया एयरलैंड के कैथोलिक्स को। अब इन्होंने एयरलैंड का सपोर्ट क्यों किया था? एयरलैंड के सपोर्ट ब्रिटिश ने इसलिए किया था क्योंकि भाई अब नहीं समझ आ रहा है ना, इसको मैं रोक देता हूँ, नहीं समझ आ रहा है ना मुझे मालूम है इसमें, क्योंकि ये लिटरली कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री से भी बहुत खतरनाक होता है ये, और ये वाला चैप्टर जो है ना, मैं जब पढ़ा था मुझे 6 दिन तक नींद नहीं आई मैं एकदम। हाँ लिटरली भाई ये समझना बहुत मुश्किल है, ये समझना बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी पे। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ये कम से कम 36 27 37 पेजेस पे एक चैप्टर है ये पूरा, तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ, आराम से समझाऊंगा क्योंकि है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिफिकेशन दोनों समझ आए वो तो भूलोगे नहीं है ना, एक्सप्लेन करूँ? चलो ठीक है।